वेलकम बैक इन माय फिजियोलॉजी क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे आश्रय आश्रय भाव। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 नंबर में या 5 नंबर में एग्जाम में आता है। आश्रय आश्रय भाव मतलब कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। तो आश्रय आश्रय भाव बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह का समवाय संबंध है। समवाय संबंध मतलब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे रिलेटेड होती हैं। जब अगर सपोज कोई एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, कोई एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में बोलेंगे तो, आश्रय आश्रय संबंध वह संबंध है जिसमें किसी एक की वृद्धि अथवा क्षय दूसरे पर प्रभाव डालता है। मतलब कोई एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, कोई एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, तथा वह दोनों एक दूसरे के साथ समवाय संबंध में रहते हैं। तो उनका जो संबंध है दैट इज अ इनसेपरेबल रिलेशन। तो इसी तरह का संबंध शरीर के अंदर स्थित दोषों और दूष्यों में भी देखने को मिलता है। तो दोषों और दूष्यों के अंदर होने वाले समवाय संबंध को दोष दूष्य आश्रय आश्रय संबंध कहते हैं। दोष शरीर की जैविक शक्तियां हैं और धातु एवं मल के माध्यम से काम करती हैं। धातु एवं मल शरीर की संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चर यूनिट है, और दोष एनर्जी फॉर्म में। तो इसलिए दोषों को आश्रय है एवं धातु एवं मल उनको आश्रय देने वाले हैं। तो दोष धातु एवं मल के बीच के इस संबंध को आश्रय आश्रय संबंध कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन अफेक्ट द अनदर वन। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर कोई घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। तो इस तरह का जो संबंध है, मतलब किसी एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना या घटना, वो एक समवाय संबंध के रूप में होता है। ठीक है, मतलब कोई सी चीज़ को एक दो रिलेशन है जिनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो आपकी बॉडी के अंदर आयुर्वेद के अनुसार स्पेशली शारीरिक क्रिया के हिसाब से आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, दोष धातु एवं मल। तो दोष तो फंक्शनल यूनिट है, दोष काम करती है, लेकिन किसके मीडियम से काम करती है, धातु एवं मल, क्योंकि धातु तो टिश्यू है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो दोष आपकी बॉडी में जो काम करते हैं वो धातु और मल के माध्यम से करते हैं। तो दोष क्या हुए, दोष तो हुए आश्रय, मतलब वो निर्भर हैं, और धातु और मल क्या है, आश्रय, मतलब वो उसको शेल्टर देते हैं। तो एक प्रकार का समवाय, समवाय मतलब रिलेशन और इनसेपरेबल रिलेशन। तो ऐसा संबंध जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जिसमें किसी एक की वृद्धि अथवा क्षय दूसरे की वृद्धि अथवा क्षय पर प्रभाव डालती है। तो ऐसा ही संबंध बॉडी के अंदर दोष धातु एवं मलों के बीच में मिलता है। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, आश्रय आश्रय भाव कहते हैं। तो आचार्य भागवत ने एक बहुत सुंदर सा श्लोक दिया है। श्लोक क्या कहता है, तत्र अस्थानी स्थितो वायु पित्तम तुष्य रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तेनेशाम आश्रय आश्रयाम मिथा उदेकस तदन्यस वर्धन छपण औषधम। तो अगर आपको ये पूरा श्लोक याद नहीं होता है तो आप इसकी 2 लाइन या 3 लाइन याद कर सकते हैं। तो श्लोक कहता है, तत्र अस्थानी स्थितो वायु, तत्र मतलब यहाँ, अस्थानी मतलब हड्डियों में स्थित होती है क्या, वायु। तो अस्थियों में वायु स्थित होती है। पित्तम तु स्वेद रक्ते हो, पित्त स्वेद और रक्त में स्थित होता है। श्लेष्मा शेषिशु, जो भी कुछ शेष बचा उसमें श्लेष्मा स्थित है। तेनेशाम, और उनका जो रिलेशन है वो आश्रय आश्रय कहलाता है। इदेकस तदन्यस, किसी एक की वृद्धि वर्धन छपणम औषधम, किसी एक की वृद्धि अथवा क्षय दूसरे की वृद्धि अथवा क्षय करती है। तो इसकी 3 लाइन तो आप याद कर ही लीजिएगा। तो श्लोक क्या कहता है कि वायु अस्थियों में रहती है, पित्त श्वेत तथा रक्त में रहता है, तत्शेष धातुओं के अंदर कफ रहता है। इनका जो परस्पर आधार आधे का संबंध है, मतलब किसी एक की वृद्धि अथवा क्षय से दूसरे की भी वृद्धि अथवा क्षय होती है, लेकिन ये रिलेशंस आपको अस्थियों और वायु में देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि शरीर में जो वायु की जो वृद्धि होती है, उस शरीर में जो वायु को छोड़कर जो भी वृद्धि है उसका कारण संतर्पण है। संतर्पण और अवतर्पण क्या होते हैं, मतलब आपकी बॉडी को नरिश करने वाली थेरेपी। संतर्पण आपकी बॉडी को नरिश के अपोजिट का इमिशिएशन, लीन करने वाली थेरेपी अवतर्पण। तो अवतर्पण वायु कब बढ़ती है, जब अवतर्पण करते हैं, बाकी सब कब बढ़ता है, जब हम संतर्पण करते हैं। तो जो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स क्या कहते हैं कि अस्थियों हड्डी और वात, अस्थि और वात, इनका जो रिलेशंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर अस्थि बढ़ेगी तो बात घटेगा, और बात बढ़ेगी
तो 80 घटेगा। लेकिन बाकी सबका रिलेशंस है, जैसे रक्त का और श्वेत का और पित्त का, तो जब पित्त बढ़ता है तो रक्त और श्वेत बढ़ते हैं, जब कफ बढ़ता है तो मांस मेद मज्जा शुक्र सब बढ़ते हैं। तो इनका रिलेशन है, अगर आप इसको आप ब्रीथ में देखें तो आश्रय आश्रय भाव, तो आश्रय भाव लाइक वात पित्त कफ, और आश्रय भाव अस्थि श्वेत रक्त, ठीक है। और कफ के केस में रस मांस मेद शुक्र मद मूत्र एवं पुरीष, ओके गॉट इट। तो जो रिलेशंस है वो उसको आपने ब्रीफ अगर 2 नंबर में आया आश्रय आश्रय भाव, तो आपको एक तरफ आश्रय भाव लिखना है, एक तरफ आश्रय भाव लिखना है। बात पित्त कफ, बात के आगे अस्थि, पित्त के आगे स्वेद और रक्त, और कफ के आगे जो कुछ भी याद है वो सब कुछ कफ के आगे लिखना है। तो आपको आश्रय आश्रय संबंध के बारे में क्या मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आश्रय आश्रय संबंध एक तरह का वो रिलेशंस है जिसमें दो चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, और इंटरडिपेंडेंट भी किस फॉर्म में, इनसेपरेबल रिलेशन से काम है। तो आयुर्वेद क्रिया साइड की दृष्टि से आपकी बॉडी दोष धातु मल से बनी हुई है, तो दोष जो आपकी फंक्शनल यूनिट है धातु, और मल जो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो दोष जो है काम करने के लिए धातु और मल पे डिपेंड है, तो धातु और मल उनको आश्रय देते हैं, और आश्रय कौन है, निर्भर कौन है, दोष। तो दोष 3 होते हैं, बात पित्त कफ और धातु और मल आपको पता ही है। तो उनका जो रिलेशन है, अगर आप ये श्लोक याद कर सकते हैं तो 3 लाइन तो कर लीजिएगा, तत्र अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तय श्लेष्मा शेषेषु तेनेषाम आश्रय आश्रयमिथा इदेकस्य तदन्य वर्धन छपणम औषधम। मतलब अस्थियों में वायु स्थित होती है, पित्त स्वेद और रक्त में स्थित होता है, बाकी सब कुछ जगह श्लेष्मा स्थित होता है। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ इसको ध्यान से देखिए, आश्रय भाव बात पित्त कफ, और आश्रय भाव अस्थि स्वेद रक्त, और कफ के आगे रस मांस मेद शुक्र मूत्र पुरीष। बस इसी को आपको ब्रीफ में डिटेल में बना के लिख देना है अगर 10 नंबर में आया। लेकिन आपको क्या याद रखना है, वात और अस्थि का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सबका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब पित्त बढ़ेगा तो स्वेद और रक्त बढ़ेंगे, पित्त घटेगा तो स्वेद और रक्त घटेंगे, कफ बढ़ेगा तो रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र मूत्र पुरीष बढ़ेंगे, और कफ घटेगा तो रस मांस मेद मज्जा शुक्र पुरीष घटेंगे। लेकिन इन केस ऑफ वात एंड अस्थि, अगर वात बढ़ता है तो अस्थियां घटती हैं, और अस्थि बढ़ती है तो बात घटता है। कैसे, हड्डियां तो कठोर होती है, तो हड्डियां अगर खोखली हो जाएंगी तो उनके अंदर कैविटी बढ़ेगी, मतलब बात बढ़ेगा, तो हड्डियां घटेंगी तब बात बढ़ रहा है ना। इनकेस अगर हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी, कैल्शियम जो है बहुत अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, इसका मतलब बात कम हो रहा है। तो आपको ये जो रिलेशन है ये बस बसा लेना है, इसी के बेसिस पर आपको पूरा जो क्वेश्चन 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का जो आएगा वो लिख देना है। क्या लिखना है, आश्रय आश्रय का मतलब है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी का कंसेप्ट। तो जो आपकी बॉडी के अंदर भी दिखता है किसके बीच में होता है, दोष धातु और मलों के बीच में होता है। तो आप जब कोई एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ेगा, जब कोई एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। इस तरह का संबंध आश्रय आश्रय संबंध कहलाता है, जो कि एक समवाय संबंध है। क्रिया साइड की दृष्टि से बॉडी दोष धातु मल से बनी हुई है, तो दोष और धातु और मल के बीच में भी इस तरह का संबंध दिखता है। दोष फंक्शनल यूनिट है, धातु और मल स्ट्रक्चर यूनिट है, दोष धातु और मल के माध्यम से काम करते हैं। तो जो बात पित्त कफ है वो धातु और मल पे रिलेशन है, वो रिलेशंस क्या है, वो रिलेशन आपको रखना है अस्थि और वात, पित्त का रक्त से और श्वेत से, बाकी सब कुछ का कफ से। तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अस्थि और वात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा ऐसा क्यों होता है कि अस्थि बढ़ती है तो वात घटता है और वात बढ़ता है तो अस्थि घटती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वात के बढ़ने के लिए अतर्पण होना चाहिए, अस्थि के बढ़ने के लिए संतर्पण होना चाहिए। ये दो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए अस्थि और वात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, थैंक यू।